स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में, आपके साथ मैं ज्योति वर्मा, खबर कश्मीर से। कश्मीर के कुलगाम में इंतजामिया की तरफ से आज नहमा के सरकारी हाई स्कूल में एम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया, जिसमें सांसद नजीर अहमद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां डीसी तलक परवेज भी मौजूद थे। मकसद था बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाना और शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, जहाँ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं। चौकियों के पीछे यूथ भाग रहा है, पढ़ा लिखा यूथ, उनको हम रागिब करें हमारे जो नेचुरल वसाइल हैं, चाहे एग्रीकल्चर में है, हॉर्टिकल्चर में है, या शीप हस्बेंड्री वाले एरियाज में है, या उसको बैंकिंग सेक्टर की, सर्विस सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की हैं, ADI के पास भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन तमाम ऑफिसर्स जो कनेक्टेड हैं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के साथ, उनको यहाँ जमा किया ताकि लोगों को इनके बारे में अवेयर किया जाए कि ये इनके ऑफिस में जब आते हैं अनअवेयर, तो इनको नहीं मालूम होता हमने क्या प्रोफेशन लेना है और किस में रोजगार कमाना है। जैसे अभी हमारे दो ग्रुप्स हमने बुलाए थे, एक हमने बुलाया था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बच्चियों को, जिन्होंने बड़ा रुझान दिखाया, उनको ये नहीं मालूम कि आप वो बुटीक की शॉप करें या वो अपना कोई एग्रीकल्चर का प्रोफेशन करें या कुछ और, उनका सर्विस सेक्टर में जाने का अपॉर्चुनिटी है। इन तमाम अपॉर्चुनिटी के बारे में अब वो जानकारी उनको मिल गई है, अब उन्होंने ये तहिया किया कि हम अपना जो सीड कैपिटल ने बनाया है, मार्जिन मनी बनाया है, उसको एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ जोड़े या बैंक की स्कीम के साथ जोड़े और अपना रोजगार शुरू कर दें। हम यहाँ जो किया था डिस्ट्रिक्ट में कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, हमारे डिप्टी कमिश्नर और अपना के अफसर साहब सारे आए थे, इंडस्ट्रीज का था, फिशरीज का, एग्रीकल्चर का, सारे मैकिंग का, ओवरऑल ऑल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो वो यहाँ आए थे डिस्ट्रिक्ट के, तो हमने यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का प्रोग्राम जो किया था वही प्रोग्राम था। आज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इनका कल फ्यूचर है वो अच्छा होगा, उसके लिए हमने गाइड कर दिया, उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर साहबान जो है मुख्तलिफ महकमों के, उन्होंने बच्चों को गाइड कर दिया कि आपकी एम्प्लॉयमेंट कैसी जनरेट होगी। कुलगाम से शबीर भट्ट की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।